Next is teeth. The teeth are embedded in the alveoli or sockets of the alveolar ridges of the mandible and the maxilla. Each individual has two sets, ठीक है, or dentitions, the temporary or deciduous teeth and the permanent teeth. At birth, the teeth of both dentitions are present in immature form in the mandible and maxilla, ठीक है. वो कह रहे हैं कि जो teeth होते हैं वो birth के time पे जो teeth निकलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है. वो थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं या फिर निकल जाते हैं, ठीक है. बट देयर आर 20 टेम्परेरी टीथ जो बर्थ के टाइम से लेके टीनएजर्स तक, जब तक दांत नए नहीं आ जाते तब तक 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ, ऊपर और नीचे के मिला के. मतलब ऊपर भी 10 होते हैं, ऊपर के जॉ में 10 होते हैं टीथ, और नीचे के जॉ में भी 10 होते हैं, ठीक है. दे बिगिन टू एरप्ट व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड, ठीक है. जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है उसके बाद उनके टीथ जो हैं वो एक एक करके आने शुरू हो जाते हैं. एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट आफ्टर 24 मंथ्स, और जब तक वो 24 महीनों का हो जाता है, दैट मीन्स कि जब वो 2 साल का हो जाता है, 2 साल की उम्र के बाद उसके पूरे अच्छे से जितने जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो सारे आ जाते हैं. द परमानेंट टीथ बिगिन टू रिप्लेस द डेसिडस टीथ इन द 6th ईयर ऑफ एज. जो परमानेंट टीथ है वो कब आने स्टार्ट होते हैं, जब 6 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद, ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ 32 टीथ इज यूजुअली कम्प्लीट बाई द 24th ईयर. यूजुअली जो होता है 24 साल की उम्र तक कंप्लीट टीथ आ जाते हैं, 32, ठीक है. फंक्शंस ऑफ द टीथ, द इंसाइजर एंड कैनाइन टीथ आर द कटिंग टीथ एंड आर यूज फॉर बाइटिंग ऑफ पीसीज ऑफ फूड, ठीक है. जो इंसाइजर एंड कैनाइन टीथ होते हैं ये कटिंग टीथ कहते हैं हम इनको, और ये किस में हेल्प करते हैं, फूड को बाइट करने में, उनको चबाने में, ठीक है. वेयर एज द प्री मोलर एंड मोलर टीथ विद ब्रॉड फ्लैट सरफेसेस आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग और च्यूइंग फूड. जबकि जो प्री मोलर और मोलर टीथ होते हैं, ठीक है, वो किस में हेल्प करते हैं, उनके ब्रॉड और फ्लैट सरफेसेस होते हैं जो ग्राइंडिंग में और च्यूइंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. जो इंसाइजर्स और केनाइन वाले टीथ होते हैं, जो सामने के टीथ होते हैं, वो बाइटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, कट करने में. और जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, दीज हैव ब्रॉडर एंड फ्लैट सरफेसेस एंड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड और च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, ऑल्दो द शेप्स ऑफ डिफरेंट टीथ वेरी, द स्ट्रक्चर इज द सेम एंड कंसिस्ट ऑफ द क्राउन. वो कह रहे हैं कि जो टीथ की शेप्स होती हैं वो तो वेरी करती हैं, वो डिफरेंट होती हैं. जैसे इंसाइजर्स की जो है, कैनाइन की हैं, प्री मोलर्स मोलर्स, इनकी जो शेप है वो तो अलग अलग होती है, बट इनके जो पार्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है, वो सेम ही होती है. इन हर एक टूथ में क्राउन होता है, द पार्ट विच प्रोट्रूड्स फ्रॉम द गम. क्राउन वाला पार्ट वो होता है जो गम में से निकलता है, ठीक है. द रूट, द पार्ट एम्बेडेड इन द बोन. रूट वाला पार्ट वो होता है जो बोन्स के बीच में अटैच होता है, बोन्स के साथ अटैच होता है. द नेक, द स्लाइटली नैरोड रीजन वेयर द क्राउन इमर्जेस विद द रूट. वो वाला रीजन जहाँ से क्राउन जो है रूट के साथ मिल जाता है, ठीक है. इन द सेंटर ऑफ द टूथ इज द पल्प कैविटी कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, एंड सराउंडिंग दिस इज अ हार्ड आइवरी लाइक सब्सटेंस कॉल्ड डेंटाइन.
टूथ के सेंटर में पल्प कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। अब हर एक पार्ट तक, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट तक ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, हर एक पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। एंड सराउंडिंग दिस इज़ अ हार्ड आइवरी लाइक सब्सटेंस। और इन ब्लड वेसल्स को, लिम्फ वेसल्स को और नर्व्स को जिसने कवर करा होता है, दीज आर आइवरी लाइक सब्सटेंस जिसको डेंटाइन बोलते हैं। आउटसाइड द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज़ अ थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस, द इनेमल। ठीक है, इनके बाहर वाली जो थिन लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं। द रूट ऑफ द टूथ ऑन द अदर हैंड इज कवर्ड विद अ सब्सटेंस रिसेम्बलिंग बोन कॉल्ड सीमेंट। ठीक है, जो रूट होती है टूथ की, जो रूट वाला पार्ट होता है, उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, विच फिक्सेस द टूथ इन इट्स सॉकेट, जो टूथ को सॉकेट में फिक्स करके रखता है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पास टू द टूथ थ्रू अ स्मॉल फॉरेमन एट द एपेक्स ऑफ ईच रूट। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं वो टूथ के टूथ में पास होते हैं थ्रू अ स्मॉल फॉरेमन। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई कैसे होती है? मोस्ट ऑफ द आर्टियल ब्लड सप्लाई टू द टीथ इज़ बाय ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरीज। द वेनस ड्रेनेज इज बाय अ नंबर ऑफ वेन्स विच एम्प्टी इनटू द इंटरनल जगुलर वेन्स। ठीक है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है उनमें जो आर्टरीज और वेन्स हैं, दीज आर द सेम जो टंग और माउथ में प्रेजेंट होती हैं, वही टीथ में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो टूथ की स्ट्रक्चर, क्राउन वाला पार्ट होता है जिसको हम सबसे जो नीचे वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, उसके ऊपर जो है एक थिन लेयर होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं। उसके अंदर डेंटाइन वाला पार्ट होता है, डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है, पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दिस इज़ द नेक पार्ट एंड दिस इज़ द गम। ठीक है, गम के साथ नेक वाला पार्ट जो है वो अटैच्ड होता है। सीमेंट इज़ द रूट पार्ट। ठीक है, सीमेंट क्या करता है, पूरे टूथ को उसके सॉकेट में फिक्स होने में हेल्प करता है। ठीक है, नर्व सप्लाई, द नर्व सप्लाई टू द अपर टीथ इज़ बाय ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी नर्व्स एंड टू द लोअर टीथ बाय ब्रांचेस ऑफ मैंजिबुलर नर्व्स। जो ऊपर वाले टीथ होते हैं उनको मैक्सिलरी नर्व्स जो हैं वो सप्लाई करती हैं नर्व, और जो लोअर टीथ होते हैं उनमें मैंजिबुलर नर्व्स होते हैं। दीज आर बोथ ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व्स। ठीक है, ये दोनों जो नर्व्स हैं, मैक्सिलरी एंड मैंजिबुलर नर्व्स, ये दोनों ट्राइजेमिनल नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं, उनकी टाइप्स होती हैं आगे। ठीक है, दैट्स इट।